दोस्तों, मेरे पास अभी फिलहाल सभी कंपनी के इतने सारे बेरिंग हैं और इन बेरिंगों में से आपको जो सबसे अलग बेरिंग दिख रहा है वो है दोस्तों इन सभी बेरिंगों का राजा। देख लीजिए, मुझे लग रहा है ये इतना जोर से फिसल रहा है कि दोस्तों मेरे को यहाँ पर जोर से लगी है अभी अभी। तो चलिए अभी हम क्रैश टेस्ट कर लेते हैं। हम 1800-1900 रुपये बाकी जो शक्ति शेरा लाड़ा के मोटर के बेरिंग वाले को देते हैं, लेकिन उनकी बेरिंग इतनी क्वालिटी नहीं है। अब खुद आंखों से देखो और फिर यकीन कर लो। हेलो दोस्तों, दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इतना ज़बरदस्त है क्योंकि दोस्तों आज तक ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पर कभी भी नहीं देखा होगा। क्योंकि दोस्तों आज हम एक ऐसे बेरिंग के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक बेरिंग। दिखने में तो आपको लग रहा है कि ये कार्बन का बेरिंग है, लेकिन दोस्तों ये कार्बन का बेरिंग नहीं है, ये एक लोकल कंपनी मोटर का बेरिंग है। और दोस्तों ये इतना ताकतवर है कि कंपनी दावा करती है कि इस बेरिंग के अंदर, यानी कि हमारे जो बेस होता है, इस बेरिंग के अंदर अगर आप रेत भी फेंकेंगे, कंकड़ भी फेंकेंगे, तब दोस्तों इस बेरिंग का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इतनी ताकतवर बेरिंग है। और आज हम ट्रायल करेंगे क्या क्या सच में ये इतनी ताकतवर है। और दोस्तों वैसे तो है, ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता रहा हूँ है, लेकिन दोस्तों हमारे पास ये है कि लोकल मोटर की बेरिंग, जो कि आज आपको पता चलेगा कि ब्रांड इज ब्रांड क्या होता है। असल में वो ब्रांड नहीं है जो शक्ति सियारा इलाड़ा एक बेरिंग की 1800 रुपये लेते हैं, 2200 रुपये लेते हैं, लेकिन ये जो बेरिंग है उससे ज़्यादा कहीं बढ़कर है दोस्तों। ये उनकी जो बेरिंग है 1800 रुपये की, 2200 रुपये की, ये इसके साथ बराबरी नहीं कर सकती है। मैं आपको सभी बेरिंग का आज टेस्ट करके दिखाऊंगा कि बेरिंग की क्वालिटी एक्चुअली होती क्या है। और दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक भाई का फ़ोन आया था कि हमारी जो बेरिंग है, मोटर की जो बेरिंग है, लगभग 1800 रुपये की बेरिंग आ रही है, लेकिन बेरिंग लगभग एक महीने के अंदर हमेशा उड़ ही रही है। बेरिंग बुशिंग अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है मोटर का, लेकिन फिर भी जो है बेरिंग हमेशा उड़ा रही है। तो दोस्तों वहाँ पर ये वाला बेरिंग लगाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों मुझे कॉल आया था एक इंसान का कि हमारे पास एक ऐसी बेरिंग है जो आप अगर रेत फेंकेंगे बेरिंग के अंदर, अगर आप रेत के अंदर भी जहाँ पे रेतीली ज़मीन होती है, यानी रेत जो होती है जिस बोरवेल के अंदर, आप वहीं पर भी अगर हमारी बेरिंग का यूज़ करेंगे, या फिर अगर बेरिंग की जगह पर इस बेरिंग के पास अगर आप रेत भी फेंकेंगे तब भी हमारी बेरिंग नहीं ख़राब होगी, ऐसा उन्होंने दावा किया था। लेकिन शुरू शुरू में मुझे लगा फेंक यार ऐसा भी कोई चीज़ होता है क्या, लेकिन जब दोस्तों ये बेरिंग मुझे एक लोकल मोटर के अंदर मिल गया, हाँ ये शायद वो जो व्यक्ति है, वो जो इंसान है, वो इसी बेरिंग के बारे में बात कर रहा था, ये मुझे बाद में समझ में आ गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सभी का जो है क्रैश टेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर क्रैचेस कितना पड़ते हैं। मेरे पास शक्ति सियारा लाड़ा सभी और लोकल कंपनी का सभी मोटर का बेरिंग है, और अभी हम जो है सभी जो बेरिंग है इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, और ये वाला भी जो है इसकी भी क्वालिटी चेक करेंगे। लगभग दोस्तों उसने जो है इस बेरिंग का प्राइस इसी तरह 1800-1900 रुपये मुझे बताया था इस बेरिंग का, तो लेकिन उस क्वालिटी का है रेट, क्वालिटी का है। हम 1800-1900 रुपये बाकी जो शक्ति सियारा लाड़ा के मोटर के बेरिंग वाले को देते हैं, लेकिन उनकी बेरिंग इतनी क्वालिटी नहीं है। अब खुद आंखों से देखो और फिर यकीन कर लो। दोस्तों मेरे पास अभी फिलहाल सभी कंपनी के इतने सारे बेरिंग हैं और इन बेरिंगों में से आपको जो सबसे अलग बेरिंग दिख रहा है वो है दोस्तों इन सभी बेरिंगों का राजा। आप अभी खुद पहचान जाओ कि कौन सी बेरिंग में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। अभी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कैमरा की वजह से चमक रहा है, ये देख लीजिए, मैं कैमरा को एक बार घुमा लेता हूँ, ये देख लीजिए। आप सिर्फ देखने से ही पहचान जाओगे कि इन सभी बेरिंगों का राजा कौन सा है, और इसे कहते हैं दोस्तों ब्रांड इज ब्रांड। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको लाड़ा की बेरिंग है, मैं आपको सभी बेरिंग आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी की मुझे नहीं पता, ये बेरिंग इन सभी को राजा है, ये बेरिंग और ये दोनों का सेट आता है। ये बेरिंग सबसे खतरनाक वाला बेरिंग है जिसके अंदर रेत भी फेंको कुछ नहीं होगा, ऐसा कंपनी दावा करती है। ये बेरिंग लाड़ा कंपनी की है, और आप सोच रहे होगी कि इसके अंदर नया पुराना कुछ नहीं है, सभी बेरिंग पुराने हैं इसके अंदर, आपको देख रहे होगी इसको भी जंग लगा है, इसको भी जंग लगा है, इसको भी सभी बेरिंग पुराने हैं दोस्तों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है कि नया है इसलिए चमक रहा है, ऐसा नहीं है। ये दोस्तों बहुत पुराना बेरिंग है और लगभग 20 साल की मोटर का बेरिंग है, हमने इसको निकाल के रख दिया है। और ये देख सकते हो आप, ये एक बेरिंग है, ये लाड़ा का है, ये दोस्तों शक्ति का है, विपोर शक्ति का ये बेरिंग सेट है,
जो कि ये 1800 रुपये का आता है, ये भी लगभग 1600-1700 रुपये के आसपास आता है। और ये जो होता है ये लोकल कंपनी का बेयरिंग है, लोकल जो शक्ति नहीं है, जो केलको में आता है, जो भी बहुत सारी जो लोकल कंपनी जो आती हैं, जो लोकल कंपनी की मोटर आती हैं उसके अंदर ये वाला बेयरिंग लगता है। ये थोड़ा सा नया है, आप देख सकते हो ये नया है। और ये जो है ये विपुर समर्सिबल मोटर का बेयरिंग है, इससे आप पहचान जाओ कि बेयरिंग खराब होने का मतलब क्या होता है। ये देख लीजिए, ये खराब बेयरिंग है मेरे पास, इसके ऊपर जो कार्बन होता है कुछ इस प्रकार का वो ख़त्म हो चुका है और ये बेयरिंग खराब हो चुका है। अभी ये बेयरिंग नहीं चल सकता दोस्तों, कुछ भी करो ये बेयरिंग नहीं चलेगा, आपकी मोटर ज़्यादा एम्पियर लेने लगेगी और हो सकता है कि आपकी मोटर जल भी जाए। तो खराब जो है बेयरिंग कुछ इस प्रकार खराब हो जाती है, इसके ऊपर का जब कार्बन ख़त्म हो जाता है, अभी देखिए इसके ऊपर कार्बन है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, ये स्टील का है और दोस्तों इसके ऊपर का पूरा कार्बन ख़त्म है, ये स्टील के ऊपर स्टील कभी नहीं घिसेगा। ये सभी बेयरिंगों में आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये सेट है पूरा, ये शक्ति का सेट है विपुर का। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर एक कार्बन है, तो ये जो कार्बन है ये स्टील के ऊपर घिस रहा है, राइट। इसके ऊपर भी कार्बन था जो कि स्टील के ऊपर घिस रहा था और इसके ऊपर कार्बन है। अभी इसके निचला जो है काउंटर मेरे पास नहीं है, सेट नहीं है, इसका भी नहीं है, ये भी स्टील के ऊपर घिसता है। लेकिन दोस्तों जो सबसे अलग बेयरिंग होता है यहाँ पर दोस्तों आपको सेम मटेरियल देखने को मिलेगा, सेम मटेरियल, जबकि बेयरिंग के अंदर सेम मटेरियल कभी भी नहीं चलता है, लेकिन दोस्तों ये मटेरियल इतना हार्ड है कि ये ख़राब नहीं होता। चलिए अभी दोस्तों देखिए देखते हैं किसके ऊपर जो है, मैं हमारे पास एक चक्कू है और एक स्क्रू ड्राइवर, इसके मदद से क्रैचेस लगा के बारी बारी से चेक करते हैं कि किस पे जो है सबसे ज़्यादा क्रैचेस पड़ते हैं और क्या ये असल में ये जो ब्रांड होता है, ये जो ब्रांड है लगभग 1800 रुपये की बेयरिंग आती है ये वाली, क्या ये जो बेयरिंग है इन सभी की बेयरिंग बराबरी कर सकती है। लोकल कंपनी का भी है, ब्रांड का भी है और ये भी लोकल कंपनी का है दोस्तों, ये ब्रांड नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ब्रांड से भी बढ़कर है, क्योंकि दोस्तों इसकी भी कीमत लगभग मुझे लगता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, 1600-1700 रुपये 1800 रुपये के आसपास उन्होंने बताया था और हम कहीं पर भी इंडिया के अंदर पहुंचा सकते हैं ऐसा उसने दावा किया था। तो अगर किसी के पास ये बेयरिंग जो बनाते हैं अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगा ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो इस बेयरिंग की तो वो ले सकता है। और ये भी लोकल कंपनी का है दोस्तों, ये ब्रांड नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ब्रांड से भी बढ़कर है, क्योंकि दोस्तों इसकी भी कीमत लगभग मुझे लगता है कि मुझे ठीक से याद नहीं है, 1600-1700 रुपये 1800 रुपये के आसपास उन्होंने बताया था और हम कहीं पर भी इंडिया के अंदर पहुंचा सकते हैं ऐसा उसने दावा किया था। तो अगर किसी के पास ये बेयरिंग जो बनाते हैं अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नंबर दीजिए, मैं आपको खुद कांटेक्ट करूँगा ताकि अगर किसी को ज़रूरत हो इस बेयरिंग की तो वो ले सकता है। तो चलिए अभी हम क्रैश टेस्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों मैं जिस बेयरिंग की बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़बरदस्त वाला सेट ये वाला बेयरिंग है और ये नीचे वाला सेट, इन दोनों का सेट है, आप देख सकते हो, ये देख लीजिए। और दोस्तों आप ये कह रहे होगे कि मैंने 20 साल क्यों कहा, अभी देखिए दोस्तों ये जो बेयरिंग है लगभग मैं कह रहा हूँ कि हमको ग्राहक ने कहा था कि 20 साल चले ही मोटर, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक लगभग 15 साल या फिर 10 साल चली होगी। क्यों चली होगी दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेयरिंग उस मोटर का जो बेयरिंग निकालने के लिए दोस्तों हम पागल नहीं है, उस मोटर का बेयरिंग हम क्यों निकालेंगे दोस्तों, उस मोटर का बेयरिंग हमने इसलिए निकाला क्योंकि दोस्तों मोटर जो है वो चल चल के खराब हो गई है, उस मोटर को हमने स्क्रैप कर दिया है। दोस्तों ये जो बेयरिंग है वो उस वाले मोटर का है जिस मोटर को हमने स्क्रैप कर दिया है, मोटर खराब हुई लेकिन बेयरिंग आज तक खराब नहीं हुई, आप देख सकते हो दोस्तों। आप थोड़ा सा झांक के देखने की कोशिश करें, काउंटर भी देख लो एक बार अच्छी तरह से, ये इसका काउंटर भी एक बार देख लो और ये बेयरिंग देख लो दोस्तों, आपको क्रैचेस इसके ऊपर कहीं पर दिख रहे हैं, आप देख लो ये क्रैचेस दिख रहे हैं कहीं। और दोस्तों ये लोकल कंपनी के मोटर का बेयरिंग है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए ये और ये दोनों भी बेयरिंग सेम है, बोर भी सेम है और साइज भी सेम है और सब कुछ सेम है दोस्तों, ये साइज वगैरह सब कुछ सेम है। ये जिस मोटर को बेयरिंग बैठता है, जो हमारे ज़्यादातर V6 समर्सिबल मोटर में जो बेयरिंग आता है ये वाला आता है, और ये दोस्तों ये उसी मीटर का, मतलब ये बेयरिंग निकाल के हम उसकी जगह पे ये वाला बिठा सकते हैं। जैसे कि अगर लाड़ा कंपनी के अंदर ये बेयरिंग आता है, ये निकाल के इसकी जगह पे ये बिठाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये जो आता है ये लोकल मोटर में आया है बेयरिंग, ब्रांडेड मोटर में नहीं है, इस बात को समझ लो। अभी चलिए अभी डायरेक्ट जो क्रैश टेस्ट जो है हमारा डायरेक्ट लाड़ा के साथ कर लेते हैं, यानी कि दोस्तों ये है लोकल मोटर का बेयरिंग जो कि अच्छी कंपनी का है और ये लाड़ा का है, अभी इसका हम क्रैश टेस्ट करके देखते हैं कि इसके ऊपर क्रैचेस कितने पड़ते हैं।
सबसे पहले हम चक्कू लेते हैं और इसके ऊपर क्रैचेस गिराने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए चक्कू की मदद से मैं जोर से ताकत लगाऊंगा। दोस्तों मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको चक्कू टेढ़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन आ जाए। ये देखिए चक्कू मैं टेढ़ा कर रहा हूँ, राइट। हल्का सा आप देखेंगे तो नॉर्मली क्रैचेस आ चुके हैं, आप हल्का सा देख लो। और इसको मैं देखता हूँ ऐसा करके, दोस्तों इसके जो क्रैचेस हैं वो मिट गए हैं। आपको दिख रहे हैं क्या क्रैचेस? अब दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। चलिए अभी ये तो हो गया ब्रांडेड मोटर के बारे में। इसका काउंटर जो है इसका भी कर लेते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं, राइट। आपको ये तो यकीन आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि चक्कू टेढ़ा होने तक मैंने इसको ये कर लिया, क्रैचेस गिरा लिया। दोस्तों ये इतना फिसलता है जोर से कि पूछो मत, मैं क्रैश कर ही नहीं पा रहा हूँ। ये देख लीजिए है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है। इसका तो हो गया। अब बारी है दोस्तों इस लाड़ा मोटर की बेयरिंग की, राइट। इसका अभी क्रैश कर लेते हैं। टेढ़ा भी करके देख लेते हैं। आप एक बार नोट कर लो, पोछने की कोशिश करेंगे। क्रैचेस तो गिरे हैं लेकिन इसको पोछने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर के दोस्तों जो क्रैचेस आए हैं वो मिट नहीं रहे हैं। मैं इसको दोस्तों ऐसे ताकत ज़्यादा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे ऐसे लग रहा है। अभी चलिए जोर से क्रैचेस कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ और एक बार उसको भी कर लेता हूँ, राइट। देख लो आपने देख लिया, ये हमने कार्बन निकाल लिया इसका, ये। और इसको भी कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए। मुझे लग रहा है ये इतना जोर से फिसल रहा है कि दोस्तों मेरे को यहाँ पर जोर से लगी है अभी। दोस्तों कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो। ये देखिए ये आपको दिख रहे हैं अभी, लेकिन देखिए ये निशान पूरे चले जाएंगे। दोस्तों इसको बोलते हैं ब्रांड इज ब्रांड, असल में कोई ब्रांड नहीं है, ये सब फेक हैं दोस्तों। अभी चलिए अभी शक्ति देखते हैं, शक्ति के अंदर कितना दम है। ये वाला जो है बेयरिंग शक्ति का है, इसका भी दम देख लेते हैं। देख लीजिए इसका तो कार्बन झट से ही निकल गया, देख लीजिए। ये देखिए हाथ में भी आ गया, देख लीजिए। ये लगभग 1600-1700 रुपए या फिर किसी किसी दुकान में 1800 का दोस्तों बेयरिंग मिलेगा। आप ये कार्बन देख सकते हैं, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कार्बन मैं दोस्तों इसका पोंछ लेता हूँ, ये देखिए इस उंगली पे ज्यादा कार्बन नहीं है। आप देख लो कि मैं इस उंगली पे कार्बन नहीं है। अभी मैं आपको कार्बन लगा के दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये मैंने घिस लिया। इस उंगली पे कोई कार्बन नहीं है, ये देख लो है ना, कार्बन आ गया ना इसका कार्बन। ये है शक्ति। अब दोस्तों फिर से मैं एक बार कार्बन पोंछ लेता हूँ ये। अब देखिए उंगली के अंदर बहुत कम कार्बन है। एक बार लाड़ा का भी टेस्ट कर लेते हैं। लाड़ा का मैंने यहाँ पर क्रैच कसर कर दिया, यहाँ पर क्रैच कसर कर लिया। ये देखिए कोई कार्बन है क्या? अब देखिए देख लिया आपने, ठीक है, ये तो देख लिया आपने। अभी चलिए इसका भी कर लेते हैं, ब्रांड का। ब्रांड कहाँ पे गया? ये ब्रांड नहीं है, इसका भी कर लेते हैं। चलिए जोर से क्रैश टेस्ट कर लेता हूँ, आपकी मर्जी ना, जोर से कर लेता हूँ। देखिए चलिए ये देख लीजिए एक बार और फिर से एक बार देख लीजिए, है क्या कुछ? कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये है लोकल कंपनी का बेयरिंग। अब दोस्तों ब्रांड नहीं टिक पाया इसके सामने तो ये क्या चीज़ है, लोकल कंपनी का है। चलिए अब दोस्तों ये शायद दोस्तों ये कार्बन नहीं है या कुछ अलग ही चीज है। दोस्तों इसका कार्बन नहीं निकलेगा, ये कुछ अलग ही चीज है। इसका देखेंगे इसका कुछ आ रहा है क्या? दोस्तों इसका कुछ नहीं आ रहा, लेकिन दोस्तों क्रैचेस गिर चुके हैं।
क्रैचेस गिर चुके हैं। अब क्या कहना चाहोगे आप बोलो मुझे, ब्रांड के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप सब लोगों का क्या मत है अभी इसके बारे में। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर जिसके पास ये वाला बेरिंग है जो मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है, ये मुझे तो पता ही कैसे शक्ति लाडा शेयर आए ये वाली चीज़ नहीं बनाती, ये कोई तो और इंसान है जो अपना दिमाग लगाया है इसको। अगर ये बेरिंग अगर किसी के पास मिलता है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, वो आप अपना नंबर मुझे दें और इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे हम, और आपका जो कॉन्टैक्ट है सभी लोगों के पास चले जाएगा। और जिसको बेरिंग की बार बार शिकायत आती है वो इस बेरिंग को डाल सकता है, ये बेरिंग कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वो खुद ये कंपनी क्लेम करती है कि इस बेरिंग के अंदर आप अगर कुछ इस तरह सेट डालेंगे, बेरिंग इस पर घूम रही होती है, अगर आप इसके अंदर मिट्टी भी डालेंगे, रेत भी डालेंगे, तब भी दोस्तों ये ख़राब नहीं होगी, ऐसा कंपनी दावा करती है। और ये लोकल मोटर के अंदर आसानी से बैठ जाती है, इन मोटर के अंदर तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा उनके पास बेरिंग है क्या नहीं मुझे वो तो नहीं पता, अगर वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगा, क्योंकि इसका बोर साइज अलग है और इसका बोर साइज अलग है। हालांकि अगर इसका बोर साइज उन्होंने अगर छोटा दिया होता तो हम इस टाइप का बेरिंग बना पाते, लिथ मशीन के ऊपर बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो है इसका जो बोर साइज है वो छोटा देना चाहिए ताकि हम ऐसा बना सकते हैं फिर से। और दोस्तों ये V6 समर्सिबल मोटर का बेरिंग है जो कि 60 का है, आप देख सकते हो दोनों भी सेम ही। तो ये था आज का, जितने भी वीडियो हैं और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वीडियो था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज पता चला कि ब्रांड से भी बढ़कर कुछ ना कुछ है। मैं कभी भी कहता हूँ कि ब्रांड के ऊपर कभी भी मत जाएगा, ओके। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ ब्रांड नहीं खरीदना है, फिर आप लोकल कंपनी की मोटर खरीदे, वो भी नहीं कहता हूँ, लेकिन ब्रांड आप जितना पैसा दे रहे हैं उतना जो है ये कंपनी आपको जो है सामान नहीं दे सकती है, बस यही बात है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हम ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए हमेशा हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना और लाइक शेयर ज़रूर कर देना, इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रांड के पीछे कभी भी मत दौड़ो। और मैं ये भी नहीं कहता कि लोकल मोटर ही सभी लोग लें, दोस्तों लोकल मोटर भी ख़राब होती हैं, बहुत ख़राब होती हैं, लेकिन दोस्तों आपके लेने के ऊपर है, आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देंगे दोस्तों तो आपको अच्छी मोटर मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों ये लगभग शक्ति की मोटर है, ये 45,000 रुपये की मोटर है, फिपुर समर्सिबल मोटर 40-45,000 की मोटर है। अगर आप लोकल मोटर अगर लेने जाएंगे तो लगभग आपको 10,000 में मिल जाएगी। तो क्या 10,000 की मोटर लेना है? 10,000 की नहीं लेना है दोस्तों, आपको लेना है 15-16-17,000 रुपए की अच्छी मोटर लेनी है। लोकल कंपनी के अंदर भी अच्छी मोटर होती है, दुकानदार को बताना है कि आप पैसा जितना भी लो लेकिन लोकल कंपनी में जो सबसे अच्छा मोटर है वो दे दो। लोकल भी मोटर बहुत दोस्तों घटिया होता है, आप ज़्यादा कम पैसे दे के लोकल मोटर मत खरीदो, क्योंकि उसके अंदर सिंगल बेरिंग आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप थोड़े से और पैसे देके लोकल कंपनी का अच्छा मोटर ले, बस मैं ये मेरा जो कहना है ये वाला है, राइट। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।